डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश फिर चाहती है। और मैं तो कहूंगा चौथे चरण के बाद यूपी का यही है जनादेश, नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। अखिलेश जी का तो कहना है कि वो पहले शतक लगा चुके थे, चौथे चरण में तो डबल सेंचुरी हो जाएगी। जो हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए वो सात चरणों के बाद सेंचुरी भी कहां लगाएंगे। पिछली बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, इस बार तो करहल भी हार जाएंगे, हिट विकेट हो चुके हैं। जो कहते थे मैं आऊंगा, नॉमिनेशन करूंगा, फिर मतदान करने ही आऊंगा, उनको चार रातें भी वही बितानी पड़ी, नेताजी को भी लाना पड़ा। ये स्पष्ट दिखाता है कि बैकफुट पर है अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। आइए भैया, नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चौथे चरण की 59 सीटों पर सायंकाल 5 बजे तक कुल 57.45% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत जनपद में 61.33, लखीमपुर खीरी में 62.42, सीतापुर में 58.39, हरदोई में 55.29, उन्नाव में 54.05, लखनऊ में 55.08, रायबरेली में 58.40, बांदा में 57.54 और फतेहपुर में 57.02% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। और एक बूथ पर जो मैनपुरी जनपद के करहल में रीपोल हो रहा है, पोलिंग स्टेशन संख्या 266, वहां पर इस दौरान 73.67% मतदान की सूचना प्राप्त हुई।